लोग आ चुके हैं मामा जी के घर पे और ये देखो यहाँ पंचायत चल रही है। पता नहीं किसकी बुराई कर रही है तीनों की तीनों बैठ के एक साथ। तो ये मुझे घुमाने ले जा रहे हैं मार्केट। मामा का शहर घुमा रहा हूँ मैं इसे अपने। मम्मी आते ही देखो एकदम लगी कि अखबार देखो सही से नहीं रख रखे ऐसा है। इन्हें पढ़ने के बाद भी अखबार ऐसा रखने चाहिए जैसे अभी नए आए हो। Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel and to this amazing vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी है, व्लॉग वीडियो की भी शुरुआत हो चुकी है। आज वर्षा कुछ स्पेशल ट्राई करने वाली है, किचन में कुछ अलग बनाने वाली है वो ब्रेकफास्ट में। ये मुझे भी नहीं पता, कह रही है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ तो मैं जब बना लूँगी तो आपको बता दूँगी। बाकी आज हमारा प्लान भी है मम्मी को लेके आने का, क्योंकि बहुत दिन हो चुके और हमारा मन भी नहीं लग रहा। सही बात तो ये है, हाँ, ना वर्षा का ना मेरा, हम दोनों में से किसी का मन नहीं लग रहा। तो मम्मी से इनफैक्ट हमारी रात बात हो गई थी ऑलरेडी और मैंने बता दिया था, और मम्मी भी कह रही थी कि हाँ अब एक दो दिन में नवरात्र शुरू हैं भाई, तो आना पड़ेगा ही घर पे क्योंकि नवरात्र यहीं पे करेंगी मम्मी आके। तो आज हमारा वो भी प्लान है मम्मी को लेके आने का। आज मेरी एक मीटिंग भी है ऑनलाइन, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाने वाला है। आज मैंने बनाने की कोशिश करी है बेसन का चीला। वैसे तो इतना अप टू द मार्क नहीं बन पाया, बट हाँ ओकेश बन गया है। और मतलब वो माओ वाला स्वाद तो नहीं है, बट हाँ ओके है। तो यहाँ चल रही है इनकी मीटिंग। सॉस ने काफी बैलेंस कर दिया चीले के स्वाद को। अब थोड़ा बेटर लग रहा, खाली खाने पे थोड़ा सा फीका फीका वाला टेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा सॉस के साथ खाऊंगी तो थोड़ा बैलेंस हो जाएंगी चीजें। अब थोड़ा बेटर है। और दीदी लगाएंगी पोचा, इसकी वजह से इन्होंने पंखा बंद करा रखा है और गर्मी इतनी पड़ गई है कि बिना पंखे के दो मिनट भी नहीं बैठा जा रहा। थोड़ी देर में ऐसा होगा कि टप 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 शुरू होने हो जाएंगे। तो मैंने ऑफिस से आज हाफ डे ले लिया था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जाना है मामा जी के यहाँ पे मम्मी को वापस लेने। तो मैं तो ऑलरेडी सुबह से ही टी शर्ट वगैरह डाली हुई थी, तो सुबह से ही तैयार था मैं, ऐसा कुछ तैयार नहीं होना था। और लेकिन मैं वर्षा को दिखाता हूँ, वर्षा हुई है तैयार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो टैडा, ये हैं वर्षा जी। वाओ, सूट अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और ये मैचिंग भी बहुत बढ़िया लग रही मुझे तो। मतलब इस सूट के साथ ग्रीन कलर का दुपट्टा चला लिया तुमने। और जूतियां भी बहुत बढ़िया है, डैशिंग सी जूतियां, क्या बात है। पायल तो पहनी नहीं आपने, छम 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 कहाँ से। हाँ वही चीज है, लेकिन बढ़िया लुक लग रहा आपका, है ना। तो दोस्तों कैब आ चुकी है हमारी गेट पे और गेट पे हो रहा है इंतजार, तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा मम्मी को लाए बगैर। एक एक दिन हमें पता है कैसे निकाला है, मतलब ये है कि बहुत याद आ रही थी मम्मी के ना, मन नहीं लग रहा था, तो बस लेके आते हैं जल्दी से। हम लोगों ने फिर से कैब बोर्ड कर ली है और वर्षा जी हैं पीछे, और इनको आप जानते ही हैं कौन है, ये पुरुषोत्तम जी हैं आज फिर हमारे साथ। और बस निकल चुके हैं हम लोग मम्मी को लेने और बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। मम्मी को मायके से लेके आने वाले हैं पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। अच्छा पुरुषोत्तम जी एक चीज बताइए, साउथ में ये गॉड्स के मंदिर टेंपल्स मैंने देखे हैं जी, जी ये वाले कौन से गॉड है? ये तिरुपति है सर। अच्छा ये तिरुपति है, तिरुपति बालाजी। बालाजी ओके। और ये लक्ष्मी है सर। अच्छा ये लक्ष्मी है, विष्णु एंड लक्ष्मी ओके वेरी नाइस। पहाड़ी के ऊपर बालाजी अकेले होते हैं ओके, और पहाड़ी के नीचे ये होते हैं लक्ष्मी। पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के नीचे मंदिर है, सेवन हिल्स। अच्छा सेवन हिल्स, हाँ ये इसके सेवन हिल्स के ऊपर है ये ओके ओके बालाजी, बालाजी और ये नीचे है ओके। पहले इनको दर्शन करके उसके बाद वहाँ जाना है ओके। जिसका नाम लक्ष्मी नहीं है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे उनका नाम है अलुमेलु ओके। ये इसका वेंकटेश्वर पेरुमाल। बैंगलोर में भी हम थे ना, तो इनके मंदिर है बहुत सारे, वहाँ पे टेम्पल्स है बहुत सारे जी जी जी। तो ये देख के मेरे को याद आया। हाँ बाकी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मुझे पुरुषोत्तम जी ने पूरी फैमिली को ही घर पे इनवाइट किया हुआ है, क्योंकि इनकी वाइफ जो है साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती है, और मम्मी को भी मुझे भी वर्षा को भी, तीनों को ही साउथ इंडियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है।
तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, देखते हैं कब जाना होगा, लेकिन बहुत जल्दी जाना होगा, बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं हम आपके घर पे आने के लिए। I am waiting for you. अरे बिल्कुल, बहुत जल्दी साथ में खाना खाएंगे। जी जी, ठीक है। और वर्षा जी, तुम आराम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सोने वाले हम लोग आ चुके हैं मामा जी के घर पे, और ये देखो यहाँ पंचायत चल रही है, पता नहीं किसकी बुराई कर रही है, तीनों की तीनों बैठ के एक साथ हैं। कहाँ की किसकी बुराई कर रहे थे आप लोग? शिवम की? तो अब आ गया, अच्छा तभी चुप हो गए मेरे आते ही। भाई मेरी 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 बुराई कर लियो, मेरी बहू की बुराई ना करियो। अब मम्मी तुम तो ऐसा हो गया कि आके ना कुछ अता पता है नहीं, कितने दिन हो गए तुम आए हुए वहाँ? सब लोग नु पूछ रहे कि आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है, आंटी कहाँ है, चिल मार रही आंटी अपनी भाभी के पास। भाभी और बहन दोनों और भैया है, क्या चीज? मैं उसे जागती रहूं बैठे को, कहीं तक तो आएगा खाली सो गया है। वैसा ऐसा ही हमारे साथ था, हम कमरे में को जावे उधर आपके में, मगर मम्मी तो ओहो मम्मी तो वहां गई भी, ऐसा ही चल रहा था वहाँ। और मौसी जी आज आपने छुट्टी ले रखी? ये सही है, अरे वाह बस धन्य हो गए हम तो। छुट्टी ले रखी हमारी वजह से। तो ये मुझे घुमाने ले जा रहे हैं मार्केट, मामा का शहर घुमा रहा हूँ मैं इसे अपने, तो क्योंकि अभी तक हम दो या तीन बार आए मामा जी के घर से वापस चले जाते थे, तो आज आते थे घर में, तो जाते थे घर से निकलते थे गाड़ी में बैठ जाते थे अपने घर के वापस। तो आज मैंने सोचा कि इसे आज इसे मार्केट जो है वो मैं घुमा ही दूँ। तो दोस्तों मैं वर्षा को एक शॉप दिखाने आया था, बचपन की काफ़ी यादें हैं इस शॉप से, क्योंकि मामा जी के जो बेटे हैं शरद भैया या रजत भैया हमें जब भी आइसक्रीम खिलाने लेके आते थे तो इसी शॉप पे लेके आते थे, तो आज भी ये शॉप वैसी की वैसी है। यहाँ पे हमने बहुत वादी लाल की आइसक्रीम्स खाई हैं बचपन में, मैं वर्षा को भी लेके आया था दिखाने के लिए। अच्छा, हम जब नानी के घर जाते हैं तो वहाँ ये मिलता है, अच्छा बॉम्बे में, बॉम्बे में इसको खारी बोलते हैं। वो ये ना जो वीडियो में आपने दिखाया था, हाँ मेरे नाम से मैंने खुलवा रखा है यहाँ पे ना, शिवम हेल्थ केयर। सही है, सही इनकम खाते हैं। अरे जहाँ से पैसे छपे वहाँ से छाप लो भाई, कोई भी माध्यम छोड़ना नहीं चाहिए। सच्ची बात है। तो दोस्तों मम्मी ने कितना राशन इकट्ठा कर लिया है? कहीं नहीं करा। राशन नहीं कह सकते भाई, सर राशन नहीं, एक तो व्रत का सामान भी होगा मम्मी इसमें, जो अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं, और अचार मम्मी ने यही आके रिचवाया है। नहीं अचार तो मामी ने दिया। अच्छा मामी ने दिया अचार, बहुत बढ़िया। अचार हमारे यहाँ खपत भी ज्यादा होने लगी जब से शादी हुई ना, वर्षा सबसे ज्यादा खा गया अचार है ना, वो तो अचार खा रहा है वर्षा। हाँ कोई बात नहीं, हम डाल देंगे। मामी मेरे कटे हुए बाल कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, मतलब अब जाके लगा मैं शिव बच्चा सा लगा मेरा। नहीं तो बहुत हाँ, थोड़ी एज का ना फर्क सा लगा एकदम, कि बड़े बड़े से लगने लगे हैं दाढ़ी मूछ। ये मामा जी अब निकले हैं क्लिनिक पे से, इतना समय नहीं लग पाता इन्हें, पेशेंट बैठा अभी कोई तो बस निकलने का समय आ चुका है। भाई आशीर्वाद ले लो सब लोग। चलो मामा नमस्ते। चलो मामा जी नमस्ते। मौसी जी नमस्ते। हाँ साथ ले चलो, मैं तो कह रहा था कि लेके चलो साथ में, लेकिन फिर वो है कि मामा जी। तो दोस्तों मम्मी को लेके हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। मम्मी मजा आया रह के? हाँ मुझे तो लग रहा था आपका आने का मन ही नहीं कर रहा था। वो तो कल वो तो नवरात्र शुरू है, परसों से नहीं हो रहा थी मैं तो। हाँ वही चीज है, मजबूरी। कल पहले मावस का पूजन होएगा, परसों नवरात्र शुरू। सही। अच्छा मम्मी पुरुषोत्तम जी आज हमसे पूछ रहे थे कि हमारे घर पे कब आ रहे हो आप, क्योंकि इनकी वाइफ साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, नवरात्रों के बाद प्लान करते हैं। हाँ और फिर डोसा खाएंगे मस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डोसा खाओ इडली खाओ जो भी मर्जी। सही सही, क्योंकि हम तीनों को ही पसंद है साउथ इंडियन फूड ना बहुत ज्यादा। तो दोस्तों बस निकल चुके हैं घर की तरफ। मम्मी आते ही देखो एकदम लगी कि अखबार देखो सही से नहीं रख रखे इन्हें, पढ़ने के बाद भी अखबार ऐसा रखने चाहिए जैसे अभी नए आए हो। अरे मेरी जान इसी चीज को तो मिस कर रहे थे हम घर में, और क्या नहीं है ना वर्षा, कोई डांटने वाला नहीं था हूँ क्या सारा। और क्या, और देखो भाई आते एक चीज और दिखाऊं, आजकल धूल मिट्टी चल रही तो यहाँ धूल मिट्टी होगी होगी। आते मम्मी ने बेड शीट भी चेंज कर किया है, तुमने दरवाजे खुले छोड़ दिए होंगे यहाँ,
तो इसलिए यहाँ धूल मिट्टी आ गई है ना, साफ कर दो जल्दी जल्दी। और ये देखो वर्षा जल्दी भागी थोड़ी सी आई कि साफ कर दूं कभी और मम्मी डांट। ये देखो वर्षा एकदम एकदम सोफा साफ करने के चक्कर में लग गई, कभी मम्मी आ भी कह दे दूर है। अरे तो मम्मी कुछ फैलाना भी तो था, अगर कुछ फैलाया ना होता तो आप क्या संगवाने आती है कि नहीं। देखो ये तो हमें पता था कि मम्मी आके सही करेंगी। और देखो भाई एक चीज और दिखाता हूँ, ये हमारे गणपति जी हैं, डैडी के टाइम के गणपति जी हैं। तो डैडी को कहीं से ना गिफ्ट मिले थे, और जब तक हम रह रहे थे यहाँ पे नॉर्थ में तब तक हमारे पास थे, और उसके बाद फिर हम शास्त्री नगर गाजियाबाद रहते थे, और उसके बाद फिर हम बैंगलोर जब गए तो बड़ी समस्या होगी कि कैसे लेके जाएं, तो मामी जी के यहाँ पे रखवा दिए थे हमने। मामी जी ने कितनी हिफाजत से रखे हुए थे देखो, एज इट इज है ना मम्मी, क्या बात है। तुम ले जाओ गणपति अपने। हाँ सही है, और क्या गणपति वैसे भी हम रखते हैं हर साल है ना, अब हमारे घर के गणपति आएंगे। क्यों परेशान हो रही तुम? मैं नहीं परेशान हो रही, फिर मैंने बोली जितने भी देखे ना हमने क्या व्लॉग। हाँ वीडियो पे वीडियो देखी नहीं जितनी, सब में तो कुर्सियों पर ढेर, सब में दीवार पर ढेर, बताओ। तो मम्मी अब बताओ कैसे कर रहे हैं? A few moments later. तो दोस्तों आज मैं सुबह जिम नहीं जा पाया था, तो अभी मैं जस्ट जिम से लौटा हूँ शाम के वक्त, क्योंकि सुबह मम्मी को भी लेके आना था मामा के यहाँ से, तो मैंने सोचा था कि शाम को मैं जिम कर लूंगा, तो अभी जिम करके वापस लौटा हूँ। यकीन मानिए बहुत मजा आ रहा है, पसीना बह के हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मम्मी टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और का वानी देखा आपने टीवी? देखा देखा भाभी, कलर्स के देखा करी, वो भी अच्छे लगन लगे। ए स्वर्णिम घर आ रहा है वो देखा, 8:30 बजे से आया। अच्छा हाँ वो नया शुरू हुआ ना, वो भी ऐसे मैंने भी एक दिन देखा यहाँ, अच्छा लगा मुझे भी वो। तब आप कलर्स के भी देखा करोगे? अब कल यो टाइम में तो वही है। अच्छा दोनों का टाइम सेम है, काम नहीं है 8:30 आवे, वो 8:30 आवे स्वर्णिम घर। अब कैसे होगा, वो तो छोड़ जाएगा, छोड़ दूंगा बस, अभी आगे देखूंगे। अब अपने पुराने ही देखा और सही है, हम तो ऐसे है भैया, जहाँ देखी तवा पर रात और वही गवा दी सारी रात, तो बस भाभी देखे ही वो वहाँ देख ले। अब यहाँ जैसे देखे वर्षा, अब वर्षा के साथ नहीं, मैं कह रही थी ऐसा नहीं है, आप जो देखते हो वो देखती हूँ मैं, मेरे वाले तो आप देखते ही नहीं सीरियल। हाँ तो कोई बात नहीं, अपने वाले तो जब देख ले, तू लैपटॉप रख लेगी, मैं तो ऑफिस का जाऊँ, क्योंकि टाइम सेम है ना, तो फिर या तो आप ही देख पाओगे। नहीं नहीं तू अपने वैसे तो देख ले, लैपटॉप के आगे रख ले तू तो फोन। अच्छा और क्या, मम्मी ने वो वीडियो और क्या, हम तो सोचा ही ऑफिस का काम कर रही है, ये अपने सीरियल देखे उस टाइम बैठ के। अरे नहीं हम तो सोचे बेचार बिचारी सीरियल भी देख रही लो, और हमें क्या पता ही भैया वीडियो को भाई, मम्मी वो सिर्फ एक दिन देखे मैंने। हाँ तो हमने तो एक ही दिन पकड़ लिया तुझे, काम करना जरूरी था तो थोड़ा सा उस वक्त मुझे मनोरंजन भी चाहिए था। हाँ। इसलिए मैं सीरियल देख रही थी। नहीं यार तो तू कैसे भी कर ले, कोई बात नहीं। क्या कर रही मम्मी? बीन बैग सही कर रही हूँ, यहाँ को बैठे है इसको पीछे के दर ऊपर रखा। बीन बैग पे इंसान देखा था वर्षा, मैं तो जहाँ जगह मिला थोड़ी इधर आपसे बात करनी तो इधर बैठ दो। नहीं तो आप इधर बैठते हो? नहीं तो इसको ही घुमा लो ना, यू है देख, इतनी मेहनत क्यों करनी, क्यों नहीं करनी, यू है बैठने की जगह, नहीं क्यों है जगह, देख अब तू इसका फोटो खींच ले, देख बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिंहासन बैठा। हाँ जैसे सिंहासन है, सही बात, जो चीज बैठ रही जो चीज जैसे है। देख भाई वर्षा जो चीज सही है सही है, जो चीज गलत है गलत। हाँ देख, अच्छा देख ले भाई, अच्छा देख ले भाई, अच्छा देख ले भाई, निशान देख तो। हाँ हाँ मम्मी सही बात है। तो दोस्तों मम्मी ने आते ही जैसा आप देख रहे हैं बेड काफी हद तक खाली करवा दिया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी माँ का घर में होना बहुत जरूरी है। जो जो मम्मी को गंदगी सी लगी, यहाँ पे मम्मी कह रही थी धूल है, यहाँ धूल है, इस पे धूल है, सारी जगह धूल धूल जो थी मम्मी ने करवा दी तुरंत साफ। तो ठीक है दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।